ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च, दूसरे चरण के लिए 19 मार्च और तीसरे चरण के लिए 28 मार्च को जारी होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य में शासकीय खर्च पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स और प्रचार सामग्रियों को हटाने का काम शुरू। सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तेज हुई राजनीतिक सरगर्मियां। भाजपा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 15 से 21 मार्च के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी। कांग्रेस ने आज रायपुर में पार्टी प्रवक्ताओं के लिए कार्यशाला आयोजित की और लोकसभा चुनाव के कारण राज्य में ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में संशोधन किया गया। अब समाचार विस्तार से। राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। सबसे पहले 11 अप्रैल को माओवाद प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाएगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 23 अप्रैल को रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा लोकसभा सीट के लिए चुनाव होंगे। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के बाद बीती रात राजधानी रायपुर में दी। श्री साहू ने बताया कि राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की अधिसूचना 18 मार्च, दूसरे चरण के लिए 19 मार्च और तीसरे चरण के लिए 28 मार्च को जारी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ में शासकीय खर्च पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स और प्रचार सामग्रियों को हटा दिया जाएगा तथा अब शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च पर अब लगाए गए समस्त होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सभी शासकीय संपत्ति पर एवं शासकीय वेबसाइट से 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि से एवं 72 घंटे के अंदर निजी भवनों से समस्त प्रचार सामग्री हटाई जाती है। शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के मंत्रियों के आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई मंत्रीगण निर्वाचन के कार्य से भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे। श्री साहू ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए हैं जो 24 घंटे चालू रहेंगे। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब सभी प्रकार की रैली, जुलूस, सभा की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रयोजन के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर, बैनर आदि लगाना या नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के रैली, जुलूस, सभा को पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार सामग्री के प्रसारण के पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। ये प्रमाणीकरण जिला और स्टेट लेवल पर आवश्यकतानुसार दी जाती है। सभी जिलों में 24/7 अर्थात 24 घंटा कंट्रोल रूम प्रारंभ कर दिए गए हैं। लोकसभा निर्वाचन के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में सभी मतदान कर्मी महिलाएं होंगी। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सहायक केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। श्री साहू ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। श्री साहू ने बताया कि दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल वोटर स्लिप उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य में सी विजिल, सुविधा समाधान और सुगम जैसे सभी मोबाइल ऐप क्रियाशील हो गए हैं। मतदान दिवस के पर्यवेक्षक के लिए प्रदेश में सी टॉक्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन के तहत पहले चरण में 11 अप्रैल को माओवाद प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। यहां के 8 विधानसभा क्षेत्रों कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अय्याज तंबोली ने जगदलपुर में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बस्तर में शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्तियों से चुनाव प्रचार सामग्री निकालने का काम शुरू कर दिया गया है।
इसके लिए गठित उड़नदस्ती की टीम सतत निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि लाइसेंसी हथियारों को थानों में जमा कराया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आखिर हम क्यों मानते हैं कि किसी से कम हैं बेटियां? आज जमाने में कमा रही हैं नाम जम के बेटियां। अंतरिक्ष हो या जमीन, पानी हो या आसमान, आज कौन सी जगह है जहां बेटियों ने देश का नाम नहीं लिखा है? लेकिन सोचिए, अगर इन्हें हमने शिक्षा नहीं दी होती, घर की रसोई में ही सिमट के रह जाता अगर इनका बचपन, तो क्या इतना बड़ा बन पाता हमारा जीवन? खेल, विज्ञान, कला, राजनीति, हर क्षेत्र में लहरा रही है देश का परचम, क्योंकि पहाड़ सी मजबूत है बेटियां और उन्हें भी है शिक्षा का पूरा अधिकार। बेटी का मान, राष्ट्र का सम्मान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि मतदान पुष्टि मशीन का मिलान वोटिंग मशीनों से करने वाले मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बारे में अंतिम फैसला भारतीय सांख्यिकी संस्थान की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। राजनीतिक दल मतदान को किसी भी तरह की धांधली से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10-30% केंद्रों पर पुष्टि पर्ची के मिलान की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में मतदान पुष्टि मशीनों का उपयोग सभी मतदान केंद्रों में किया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इसका मिलान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही मतदान केंद्र पर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने रमजान के महीने में लोकसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर कहा है कि इस दौरान भी चुनाव होंगे, क्योंकि पूरे महीने को चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्यौहार ईद और जुमे के दिन मतदान नहीं कराए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मई में रमजान का महीना शुरू हो रहा है और लोकसभा चुनाव के कुछ चरण इसी महीने में पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में 15 से 21 मार्च के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय राजधानी रायपुर में आज चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा की एक बैठक में लिया गया। पार्टी के अध्यक्ष विक्रम अस्सुंडे ने अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी 11 लोकसभा सीटों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति की समीक्षा की गई। दूसरी ओर आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी प्रवक्ता राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कार्यशाला में प्रवक्ताओं को फेक न्यूज से निपटने के टिप्स भी दिए गए। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की वजह से राज्य में ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में संशोधन किया गया है। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी नई समय सारणी के अनुसार 10वीं की 9 अप्रैल को होने वाली हिंदी का पर्चा 27 अप्रैल को, 11 अप्रैल को होने वाला अंग्रेजी का पर्चा 30 अप्रैल को और 15 अप्रैल को होने वाली अर्थशास्त्र की परीक्षा अब 2 मई को होगी। वहीं 12वीं में 10 अप्रैल को होने वाला भूगोल का पर्चा 29 अप्रैल को, 12 अप्रैल को होने वाला अंग्रेजी का पर्चा 1 मई को और 16 अप्रैल को होने वाली हिंदी की परीक्षा अब 3 मई को होगी। ये परीक्षाएं सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11:30 बजे तक चलेंगी। इस बारे में और अधिक जानकारी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। आज 56 विभूतियों को ये पुरस्कार दिए गए। इसके बाद 16 मार्च को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति शेष विभूतियों को यह पुरस्कार देंगे। इस दिन छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई को पद्म विभूषण और बस्तर बैंड के संयोजक अनूप रंजन पांडे को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। बालोद जिले के खरखरा डैम में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग से 5 युवक कल पिकनिक मनाने खरखरा डैम पहुंचे थे। इस दौरान ये युवक एक नाव में सवार होकर डैम में घूमने निकले। गहराई में जाकर ये युवक मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे, तभी नाव पलट गई। 5 में से 3 युवक किसी तरह अन्य लोगों की मदद से बच गए, लेकिन 2 अन्य युवक डूब गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च, दूसरे चरण के लिए 19 मार्च और तीसरे चरण के लिए 28 मार्च को जारी होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य में शासकीय खर्च पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स और प्रचार सामग्रियों को हटाने का काम शुरू। सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तेज हुई राजनीतिक सरगर्मियां।
भाजपा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 15 से 21 मार्च के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी। कांग्रेस ने आज रायपुर में पार्टी प्रवक्ताओं के लिए कार्यशाला आयोजित की और लोकसभा चुनाव के कारण राज्य में ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में संशोधन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।